और अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में बड़ी खबर मिल रही है। मुंबई में बिहार पुलिस ने सुशांत सिंह के बैंक के खातों की जानकारी हासिल की है। पुलिस ने अकाउंट से स्टेटमेंट ले लिए हैं। बिहार पुलिस की एक टीम मुंबई पुलिस से संबंधित जानकारी जुटा रही है, जबकि दूसरी टीम सुशांत के बैंक तक पहुंची थी और बैंक से स्टेटमेंट हासिल किए। और हमारे सहयोगी अमिताभ हमारे साथ पटना से इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ, क्या जानकारी? अब बैंक डिटेल्स को खंगाला जा रहा है पुलिस की तरफ से। जी बिल्कुल, सुशांत के पिता ने जो FIR दर्ज कराई थी उसमें बैंक ट्रांजैक्शन का जिक्र किया गया था और बताया गया था किस तरीके से 15 करोड़ से ज़्यादा की राशि दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, जिससे सुशांत का कोई लेना देना नहीं था। इस मुतालिक जब पटना पुलिस की टीम वहां पहुंची है तो आपको बता दें कि 4 सदस्य टीम पहुंची थी। आज वो दो भागों में बढ़ गई, दो टीम। एक टीम जो है वो मुंबई पुलिस से कोऑर्डिनेशन कर रही है, संबंधित दस्तावेज ला रही है, क्योंकि दूसरी टीम जो है सुबह से बैंक गई थी जहाँ सुशांत के खाते थे और जो 3 कंपनियाँ बनाई गई थी उन कंपनियों के संबंध में जानकारी ली और उनके बैंक अकाउंट्स हैं वो डिटेल्स हासिल किए। चूंकि पटना में FIR दर्ज था इसलिए बैंक अकाउंट डिटेल्स लेने में, स्टेटमेंट लेने में उन्हें मुंबई पुलिस की सहायता की आवश्यकता नहीं थी और इस जो स्टेटमेंट था उसे पटना पुलिस ने हासिल कर लिया और इसमें जो अकाउंट्स जिसमें पैसे ट्रांसफर किए गए थे उसके बारे में अब छानबीन जारी कर रही है, यानी कि पटना पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जो था वहाँ पर वो शुरू हो चुका है। मैं जो दूसरी जो टीम बनी हुई है वो जितने भी ट्रांजैक्शन हुए थे या बैंक से रिलेटेड जो थे, जो प्रॉपर्टी की बात आ रही थी जो FIR में दर्ज कराए गए थे सुशांत के पिता के द्वारा, उन बातों को लेके वो जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है। और इस क्रम में एक और जानकारी आपको दे दें कि पटना पुलिस ने 10 वैसे लोगों को नोटिस 161 के तहत आज नोटिस देगी जिनसे वो पूछताछ करेगी, जिनके नाम FIR में आए थे और कई ऐसे लोग थे जिनके बाद में नाम आए हैं। पहले 161 के तहत उनसे नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद अगर पूछताछ के लिए नहीं आते हैं तो फिर उन्हें संबंध दिया जाएगा। ठीक है अमिताभ, आप बने रहे हमारे साथ।